अलकुम मेरा नाम सुवेद है मैं आज 16, 19 दिन से आइसोलेटेड हूँ कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हैदराबाद से हूँ एक मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ मैं अपने नौजवान लोगों के वास्ते कि आज जब आप ये मैसेज अगर देखें तो अपने घर को जाओ अपने नाना नानी दादा दादी खाला खालू चाचा चाची जितने भी बड़े लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको एकदम ग़ौर से देखो एक दस मिनट के रास्ते गौर से देखो और अपने आप से सवाल करो कि इनके ज़िम्मेदार आप बनना चाहेंगे इनकी मौत के ज़िम्मेदार आप बनना चाहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस हर घर में मौजूद है अपने लोग करने को राज़ी नहीं है कि मेरे कोरोना वायरस हो सकता ये एक बहुत छोटी बीमारी है जो 20 परसेंट अगर अपने जिसमें में हैं तो 80 परसेंट अपने दिमाग में इतनी बड़ी बन के बैठी हुई है कोई राज़ी नहीं हो रहा टेस्ट कराने के सबको सिम्टम्स आ रहे और सब तोहफा लेके घरों में बांट लेते फिर रहे आज जितने भी इंतकाल हो रहे दस में से नौ कोरोना वायरस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से हार्ट फेल की वजह से हार्ट अटैक की वजह से किडनी फेलियर की वजह से छोड़े ये पूरे कोरोना के सिमटम्स हैं और इसको फ़र्स्ट डे अगर सिमटोमेटिक हो गया आप फर्स्ट डे आपको मालूम हो गया तो आप फोर्थ डे में नेगेटिव कर सकते हो उसको मेरे को नाइन्टी डेज इस नाइन्टीन डेज इसलिए हो रहे अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ लापरवाही है टेस्ट नहीं कराना दवा नहीं खाना लापरवाही है और सब स्टेजों से गुजर के छः दिन ऑक्सीजन में रह के अब मैं अलहमदिल्ला एकदम फ्रेश हूँ मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने आप को बचाओ अपने घर वालों को बचाओ अपने बस्ती को बचाओ अपने मोहल्ले को बचाओ अपने शहर को बचाओ अपनी कंट्री को बचाओ और इसको अगर कोई बचा सकते तो वो सिर्फ आप है जब आप एक्सेप्ट कर लिए कि कोरोना वायरस है और को भी हो सकता कोरोना वायरस जब इच आप जाके जो है सो बचा सकते हैं अपने घर के बड़े एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इसको कोरोना वायरस हो सकता अरे तू क्या कहाँ था नहीं होता तेरे को वायरल है बारिश हो रही लाइट बुखार है कम हो जाता बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप आपके बच्चे हैं यंग बच्चे हैं उनको बिल्कुल कम हो जाता दो टाइम की दवा से ज अच्छे हो जाते हैं लेकिन जो बड़े लोग हैं ना उन नहीं हो सकते उन्होंने भी हो सकते कब हो सकते हैं जब पहले दिन सिंटोमैटिक हुए दवा खा लिए तीन दिन डॉक्टर की आठ दिन का पंद्रह दिन का कोर्स है वो कोर्स कर लिए सिर्फ आइसोलेट कर लो अपने आप को और फैलाने से बचाओ आपको हल्की खांसी सर्दी बुखार सर का दर्द नाक में से खुशबू, बदबू जाना और मुंह का मज़ा चले जाना वीकनेस फील होना पूरे सिम्टम्स कोरोना वायरस के हैं और इतने सारे सिम्टम्स कोरोना वायरस अपने को दे रहा कि अपना इलाज करा लो जल्दी से और अपन इग्नोर करके अपन बांट लेते फिर दूसरे लोगों को और नुकसान उठा रहे मेरा स्टेज जो था मैं चार दिन बुखार था नॉर्मल हो गया खांसी हुई लंग्स में निमोनिया भर गया निमोनिया भर के ऑक्सीजन लेवल कम हो गया ये पूरा इलाज आप घर में बैठे कर सकते हो ऑक्सीमीटर एक ले ले कर आ जाओ अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही लेकिन बस इसको बेकार है बढ़ाना अब क्योंकि बहुत सिंपल है लोकल डॉक्टर तीन दिन की दवा में आपको ठीक कर देते हैं आप रेस्ट करो घर के अंदर बस दूसरा इलाज इसका कुछ भी नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों को ये डर है कि अगर मैं पॉजिटिव हो गया तो मेरा घर सील हो जाता मेरे को गांधी हॉस्पिटल में ले जाके डाल देते मेरी बस्ती कंटेनमेंट जोन हो जाती और मेरे को जितने भी आपके नेगेटिव थाट्स हैं ना वो पूरे आपके दिमाग से निकाल दो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा द मोमेंट आप पॉजिटिव हुए एक घंटे में आपको लोकल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा कि सर आप कैसे हैं आपकी तबीयत कैसी है आपको कुछ सिम्टम्स है क्या आप टेंशन मत लो हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं ये पुलिस वाले के वर्ड्स हैं आशा वर्कर्स के फ़ोन आ रहे सुबह में एक बार शाम में एक बार कि सर आप अच्छा खाइए टेंशन कुछ भी मत लीजिए ये आती चले जाती आप टेंशन कुछ भी मत लीजिए उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्टर्स का फ़ोन आ रहा कि आपको दवा की ज़रूरत है आके आपको कैसे है दवा देखे आपके घर में बता के कि इनको कैसा ट्रीट करना है सब बता के उन्होंने चले जा रहे हैं ना आपको गांधी जाने की ज़रूरत है ना आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है ना आपको लाखों रुपए लेके जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होने की ज़रूरत है कोरोना वायरस हुआ तो अब आपको अगर किसी की ज़रूरत है तो एक एक्सेप्टेंस की कि कोरोना वायरस है मेकू है तेकू है इसको है उसको है सबकू है दोस्तों में बस्तियों में महलों में दस में से आठ जनों से मैं बात करूँ सबको सिम्टम्स है किसी को आके चलेगा लोग छुपा के बैठे हुए हैं घरों में डर रहे हैं डरने की कोई बात नहीं है बाहर निकलो टेस्टिंग कराओ अपने आप को आइसोलेट करो और दूसरों को होने से बचाओ अपने बड़ों को अच्छा देखना चाह रहे हैं जिंदा देखना चाह रहे और बीमारी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ आइसोलेट होकर सेल्फ़ लॉकडाउन में चले जाओ इससे बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है आप यंग है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप दो दिन में फ़ाइट कर लेते चलते फिरते आप ठीक हो जाते लेकिन चलते फिरते जो आप पार्सल बने हुए हैं कोरोना बांटने में वो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते जो कि जान से हाथ धो बैठ रहे जो कि आप आप में हर कोई देख रहे हैं लेकिन कोई मानने को राज़ी नहीं है कोई बुरे नहीं उनकी एज हो गई थी बिल्कुल उनकी एज हो गई थी बोल के उन चले जा रहे हैं